आप सब लोगों का वेलकम। हमने सोचा लोगों की तरफ से और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जो रिसेंटली 23 जुलाई 2024 को बजट आया है, जो हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया, उसके बारे में आप लोगों से कुछ बात करें और बताएं लोगों को कि उस बजट की रियलिटी क्या है, कि वो ग्राउंड से करेक्टेड है या नहीं है। इस बारे में हमने सोचा कि आप लोगों से बात करें। So, after a brief introduction, we will give a sector-wise analysis and post that we will also give you some miscellaneous points which are outlined in the budget. And what we believe is that this budget is not related to the ground realities. It's too futuristic ki future mein ye karenge, future mein wo karenge, aisa karenge, waisa karenge. And at the same time, इसमें जो आज की प्रॉब्लम्स है, द प्रॉब्लम्स ऑफ टुडे, इट डज नॉट केटर टू द प्रॉब्लम्स ऑफ टुडे। सो इन द बजट स्पीच, इफ यू सी, निर्मला ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने अपनी बजट स्पीच में इनिशियल बिट में ये कहा कि आई एम ऑनर्ड टू प्रेजेंट टू द ऑगस्ट हाउस द बजट फॉर द यूनियन टेरिटरी for of Jammu and Kashmir for year fiscal year 2024-25. Well, let me at the outset say that there is absolutely no honor in dismembering a state, reducing it to a status of a union territory in an unprecedented manner, stifling its democracy, and seventh consecutive time announcing its budget from the ramparts of the parliament, otherwise which should have been the responsibility of the state government. So it's the seventh year. So that is why what we have said is that ये जो budget है, it's not a people centric budget, it's a babu centric budget. ये लोगों का budget नहीं, लोगों के representatives का budget नहीं, ये अफसरशाही का budget है, जो कि 7 साल से यहाँ पे तानाशाह की तरह यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर आप finance minister साहिबा का initial 20% speech का देखें, तो उन्होंने उसमें बात की है सिक्योरिटी की, उन्होंने बात की है लॉ एंड ऑर्डर की, नॉर्मलसी की, रिफॉर्म्स की। सो ऑल इन ऑल, अगर पहली इनिशियल बिट हम देखें उस स्पीच का, तो वो एक पॉलिटिकल स्पीच है रादर देन अ बजट स्पीच। जिस टाइम पे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही थी या नॉर्मलसी की बात कर रही थी, रिफॉर्म्स की बात कर रही थी, उसी टाइम पे त्रिखा टॉप जम्मू और कुपवारा में, जो कश्मीर डिवीजन में, वहाँ पे दो दो मुठभेड़े हो रही थी और हमारे जो आर्मी के नौजवान हैं, आर्मी के जवान हैं, वो मुठभेड़ में फंसे हुए थे, टेररिस्ट अटैक में, इनकाउंटर अटैक्स चल रहे थे। सो दिस इज़ प्योर डाइकॉटमी एंड क्वाइट ludicrous कि एक साइड से वो सिक्योरिटी की बात करती हैं और दूसरे साइड से उसी दिन जिस दिन बजट पेश कर रही हैं उस पर सिक्योरिटी की बात कर रही हैं, दो दो यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज़ और इनकाउंटर्स चल रहे हैं। And I take strong objection to the fact that she said that we have a legacy of fiscal stress. उन्होंने कहा हमारे पास, हमें, मैं बताता हूँ उसका तर्जुमा अभी बताऊँगा, we have a legacy of fiscal stress. And at the same time she said कि 70% of our economic needs are funded by the central pool. इसका मतलब ये है कि हमें अपना घर वो चलाना नहीं आता, हमें अपना जो खर्चे हैं वो चलाने नहीं आते, तो हमें फिस्कल फाइनेंस मिनिस्टर इन हर स्पीच, तो वो चलाना नहीं आता। तो ये चीज़ जो है वो काफ़ी निंदनीय है। मैं इसलिए ये बताऊंगा, जब से यहाँ पे अगर कोई भी रीजनल पार्टी है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, मैं आपको ये थोड़ा इसका एक्सप्लेन करता हूँ कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एक वाहिद पार्टी है जिन्होंने जब भी कांग्रेस के साथ भी अलायंस किया, बीजेपी के साथ भी अलायंस किया, तो वो किसी शर्त के बेसिस पे किया। तो अगर आप देखेंगे कांग्रेस के साथ जो अलायंस किया उसमें भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, जो बीजेपी के साथ अलायंस किया उसमें भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, बिना शर्तों के। कम से कम पीडीपी ने किसी के साथ कोई अलायंस नहीं किया, बाकी पार्टीज़ ने किया होगा, हमने नहीं किया। तो उसमें जो 2015 में हमने गवर्नमेंट बनाई थी उसमें एक बात कही थी हमने कि हमें हमारे पावर प्रोजेक्ट्स वापस दे दीजिए ताकि हम ये फिस्कल कंसोलिडेशन कर सके, जो आप हमने बोला है कि आपने बोला है कि हमें अपना घर नहीं चलाना था। देर इज़ अ लेगेसी ऑफ फिस्कल स्ट्रेस एंड 70% ऑफ आवर इकोनॉमिक नीड्स आर बीन केटर्ड बाय द सेंट्रल पूल। वेल, देर इज़ अनदर रियलिटी, डिस्पाइट बींग अ लो रिसोर्स मोबिलाइजेशन स्टेट, उसके बावजूद भी
लो रिसोर्स मोबिलाइजेशन स्टेट होने के बावजूद भी हमारा सेंट्रल पूल में ठीक ठाक कॉन्ट्रीब्यूशन है, और एट द सेम टाइम हमारे अलावा 9 स्टेट्स ऐसी हैं जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में मानी जाती हैं। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाली स्टेट्स वो होती हैं जहाँ पे ज्योग्राफिकल जो हिमालयन स्टेट्स हैं और बॉर्डर एरियाज वाली स्टेट्स हैं, जहाँ पे ज्योग्राफिकल कंडीशंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ज़्यादा पनपने नहीं देती है, उसकी वजह से इन्हें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस माना जाता है। तो यहाँ पे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सेंटर का ही होता है, लेकिन ये हमें दुहाई दे रहे हैं कि आपको हम 70% सेंटर से भी देते हैं और आपका अपना लेगेसी ऑफ फिस्कल स्ट्रेस है, तो हमें हमारे पावर प्रोजेक्ट्स वापस दे दीजिए जो हमने कहा था कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में, हमारा फिस्कल स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। और एट द सेम टाइम मैंने आज तक तो नहीं सुना बाकी 9 स्टेट्स में आपने ये बात कही है, ये जताया है। एक साइड से आप बोलते हैं हमें हमको अपनाना है, दूसरे साइड से आप जता रहे हैं कि हम आपकी डेवलपमेंट के लिए पैसे देते हैं सेंट्रल पूल से। बाकी सारी 9 स्टेट्स में जो कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट्स है उनमें तो ये बात कभी नहीं हुई। तो लेट मी जस्ट नाउ टॉक अबाउट द सेक्टर वाइज एनालिसिस ऑफ दिस बजट। ये बजट काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है हमारे लिए, इसलिए मैं सबसे पहले एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात करूंगा। इट द प्रोविजंस आर प्रोफाउंडली डिसअपॉइंटिंग। यू सी द प्रॉब्लम विद द एप्पल ग्रोवर्स या सैफरन ग्रोवर्स या आपके वॉलनट ग्रोवर्स है या पैडी ग्रोवर्स है, उनकी प्रॉब्लम्स इस टाइम ये है, कुछ उनकी प्रॉब्लम्स ये है कि सबसे पहले उनका कर्जा बहुत ज़्यादा चढ़ चुका है। पिछले 2-3 साल में जिस तरीके से उनके जो क्रॉप्स है वो डिस्ट्रॉय हो गए, चाहे वो सड़कों पे डिस्ट्रॉय हो गए या कहीं और पे डिस्ट्रॉय हो गए या कोल्ड स्टोरेज में सड़ गए, वो जो उनके क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हुए हैं उनके इश्यूज़ ये हैं कि ये हमारा कर्जा माफ़ हो जाए। और एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो फेसिंग अ ह्यूज इन्फ्लक्स ऑफ कमोडिटीज़ फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट्स। तो इसका सोल्यूशन ये होना चाहिए था कि जो ये किसान क्रेडिट कार्ड के जो लोन्स चढ़ चुके हैं वो काफ़ी ज़्यादा लोन्स हो गए हैं और इनको लोन वेवर होना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम देयर शुड बी एटलीस्ट, मैं नहीं बोलता हूँ कि ये स्टेट गवर्नमेंट करती है, लेकिन इम्पोर्ट ड्यूटीज़ और काउंटरवेलिंग ड्यूटीज़ हमें इंक्रीज करनी है ताकि इंटरनेशनल मार्केट्स जो प्रोड्यूस आता है वो यहाँ पर डंप ना हो और हमारा जो माल है, बिकॉज एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर इज़ बैकबोन ऑफ कश्मीर्स इकॉनमी, आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा माल है वो सड़ रहा है कोल्ड स्टोरेजेस में। तो ये इन चीज़ के बारे में प्रोविजंस होने चाहिए, एटलीस्ट डायरेक्शन दी जानी चाहिए थी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इंपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ाइए, आप काउंटरवेलिंग ड्यूटीज़ बढ़ाइए, हमारा माल सड़वाइए मत कोल्ड स्टोरेजेस में। बट हाउएवर देर इज़ एब्सोल्युटली नथिंग डन ऑन दैट। किसान क्रेडिट कार्ड्स में इतने सारे, जो मैंने इससे पहले भी बोला, किसान क्रेडिट कार्ड्स में इतना सारा लोन चढ़ गया है, कुछ 200-400 करोड़ लोन है, कुछ 100 करोड़ लोन है। अगर मेरा ये क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर बैंक या स्टेट बैंक या बड़े बड़े बैंक्स अगर उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, बीजेपी को कश्मीर के किसान के साथ, एप्पल ग्रोवर के साथ, सैफरन ग्रोवर के साथ, पैडी जो अपना राइस उगाते हैं उनके साथ क्या दुश्मनी है कि वो उनका कर्जा माफ़ नहीं कर सकते? अगर ये बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ करते हैं तो इनका क्यों नहीं कर्जा माफ़ कर सकते हैं? इसके अलावा ये भी एक डिमांड थी एग्रीकल्चरल सेक्टर में कि हमें मंडीज़ की ज़रूरत है। जैसे आपने देखा होगा जिस तरीके से कि शुपियन में हमने एक एप्पल की मंडी लगाई थी, उसके बाद वहाँ पे जॉब्स भी क्रिएट हो गए और उधर का बिज़नेस भी फ्लरिश हुआ। लेकिन अलग अलग जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है जैसे वॉलनट है, उसकी एक डिमांड है कि मंडीज़ आए, बट दोज़ मंडीज़, वो मंडियाँ इस पर्टिकुलर बजट में हमने उसके बारे में कोई बात नहीं की है। सो एग्रीकल्चर ऑल इन ऑल हैज़ बीन द प्रोविजंस आर क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। एट द सेम टाइम हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में, एक अलाइड सेक्टर है, हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में आपने कोई भी प्रोविजन, हैंडीक्राफ्ट के आर्टिजन्स के बारे में, हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में उसकी प्रमोशन कैसे करेंगे, किस तरीके से हम कश्मीर के प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड क्लास बनाएंगे, उसके बारे में कोई भी किसी भी तरीके की बात नहीं की गई है। And that is very disappointing. From the agricultural sector, now I will talk about the unemployment that has happened, the youth sector, the employment sector. आपको ये पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर is facing the highest job crisis in the last 5-10 years. It is facing the highest job crisis in the country. Center for Monitoring Indian Economy कहता है कि यहाँ पे highest
एजुकेटेड यूथ है जो हाईएस्ट जो अनएम्प्लॉयड है, हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमंग्स द एजुकेटेड यूथ. उसके अलावा एमएचए की रिपोर्ट है 2020 के बीच में और 2022 के बीच में, आप पता आप उस रिपोर्ट में देख सकते हैं कि 78 लोगों ने सुसाइड किया है. किस वजह से? क्योंकि वह अनएम्प्लॉयड थे, इस वजह से सुसाइड किया हुआ है. सुसाइड रेट हैज इंक्रीज ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, बट देर इज अ प्रॉब्लम, दे आर नॉट रिकग्नाइजिंग दिस. आपने आप अगर ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन देखें, वहां पे 3,01,889 स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं हर साल ग्रेजुएट कोर्सेज में. लेकिन एक प्रॉब्लम है कि इतने लोग जो ग्रेजुएट कोर्सेज में एनरोल करते हैं, दूसरे साइड से आप देखें बीजेपी का इस बजट में क्या सबसे ज्यादा ग्रैंड जेस्चर है अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, वो ये है कि हम प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेशन करके 1,000 ग्रेजुएट्स को नौकरियां देंगे. कहां 3,00,000 लोग और कहां 1,000 नौकरियां. उसमें भी आई एम श्योर वो हैंड पिक करके नौकरियां चूज करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि वो SPO का रिक्रूटमेंट स्कैम जो हुआ है अभी पीछे, वहाँ पे महबूब बेग साहब ने भी बात की बॉर्डर एरियाज में SPOs को रिक्रूटमेंट किया. आई एम श्योर इसमें भी वो हैंड पिक तरीके से इन 1,000 ग्रेजुएट्स को जॉब्स देंगे. मगर लेकिन ये 3,00,000 ग्रेजुएट हो रहे हैं, यही सेम चीज़ पोस्ट ग्रेजुएशन में भी प्रॉब्लम है, यही चीज़ PhDs में भी प्रॉब्लम है. सो इस चीज़ को हमें देखना पड़ेगा. देर इज वी हैव टू रिजॉल्व दिस सिस्टमिक प्रॉब्लम दैट इज प्लेगिंग द एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज द एजुकेशन सेक्टर एज वेल. फिर देन देर इज नथिंग एट ऑल इन दिस बजट दैट हैज बीन स्पोकन अबाउट द आशा वर्कर्स और डेली वेज वर्कर्स. 60,000 हमारे आशा वर्कर्स, डेली वेज वर्कर्स 60,000 है, उसके बारे में कोई बात नहीं की है इस बजट में. इसके बाद उनको रेगुलराइज कैसे करें, उसके बारे में कोई प्लान नहीं है. इसके बाद अगर आप देखें, हमने कॉन्स्टेंटली बोला है कि कम से कम जो अनएजुकेटेड जो एजुकेटेड यूथ है जिसको नौकरी की ज़रूरत है, उसे कम से कम एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस होना चाहिए, उसके बारे में कोई बात नहीं की है. इसके अलावा देन देर आर काउंटलेस नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट स्कैम्स, that has dawned upon Kashmir from last 5-7 years. I can't even say it. मुझे याद भी नहीं आ रहा. FAA scam, कितने सारे scams, FAA scams, JKSI scams, और कितने सारे जो ये recruitment scams है, इसकी वजह से भी unemployment काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और जो educated youth है उस पर काफ़ी distress है.